नमस्कार, मैं सरस मौर्य आप सभी का अपने चैनल सिम ट्रांसलेशन में स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं टेंस और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। कल हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान अनिश्चित काल का आपको ऐसा वाक्य मिले जिसमें नहीं शब्द आ जाए, ठीक है, नहीं शब्द आ जाए, उसको हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ता नहीं है, ऐसे आ जाए। देखिए, वाक्य के अंत में टा है, आया, ठीक है, ये तो इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हो गया। अगर उसमें कह दे वह पढ़ता नहीं है तो नहीं शब्द का दर्शाता है नकारात्मक का, ठीक है, यानी नहीं शब्द को। इसी प्रकार आपको वाक्य मिलेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको ऐसा वाक्य मिले जिसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आए, साथ ही साथ वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में रखते हैं, ठीक है, ऐसे वाक्यों को। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग इसका रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर डू या डज प्लस फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है, सो ऑन। यानी इसमें देखिए, आपको कल बताया गया था कि ही, सी, इट तथा एकवचन कर्ताओं के साथ हम लोग डस का इस्तेमाल करेंगे, यू, वी, दे, आई के साथ तथा बहुवचन के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डू या डज इस टेंस का सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है। यस या यस भी लगाते हैं लेकिन वो सिंपल सेंटेंस में लगाया जाता है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में डू या डज प्लस नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ हम लोग डस का इस्तेमाल करेंगे, डस नॉट का, और यू, वी, दे, आई तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हम लोग डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, वह पढ़ता नहीं है, ऐसे आ जाए, वह पढ़ता नहीं है या वह नहीं पढ़ता है, ऐसे आपको वाक्य मिले। देखिए, ता है आया वाक्य के अंत में ना, तो बीच में नहीं भी आया, इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य में यानी नेगेटिव सेंटेंस में रखते हैं। इसको ट्रांसलेट किया जाए तो आ जाएगा ही डज नॉट, ही डज नॉट रीड, ठीक है, ही डज नॉट रीड, वह पढ़ता नहीं है या वह नहीं पढ़ता, ऐसे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कह दें, हम घर पर नहीं रहते हैं। देखिए, ते है, ता है, ती है, आता है, तो ये इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है गया वाक्य, उसी में नहीं शब्द आ गया तो वो हो गया नकारात्मक का वाक्य। इसको ट्रांसलेट करें तो हम के साथ डू आता है, ठीक है, यानी वी डू नॉट, उसके बाद लीव मीन्स रहना, लीव ऑन द होम, इस प्रकार हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। और देखें, जैसे माँ घर का कार्य नहीं करती है, ऐसे आ जाए, माँ घर का कार्य नहीं करती है, तो इसको ट्रांसलेट किया जाए तो हो जाएगा यहाँ पर द मदर does not do work of home, ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको जो भी वाक्य मिले पहले तो देखिए वो क्या उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, आ रहा है और वाक्य के बीच में नहीं आ रहा है तो इसको लगाइए। अगर नहीं शब्द नहीं आ रहा है तो सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल करके यस या यस या डू या डज से भी हम लोग बना सकते हैं। और देखा जाए, जैसे राधा विद्यालय नहीं जाती है, राधा विद्यालय नहीं जाती है, इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इस प्रकार, राधा, राधा हो गया, उसके बाद डज नॉट गो टू द स्कूल, ठीक है, इस प्रकार।
और देखा जाए ऐसे एग्जाम्पल, यानी जब आपको वाक्य के अंत में ती है, ता है, ते है, ता है, ती है, ऐसे वाक्य आए और वो वाक्य अनिश्चित हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस में रखते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हीं वाक्यों में अगर नहीं शब्द आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस का नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस का वाक्य कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, और एग्जाम्पल मनोज घर पर नहीं बोलता है, ऐसे आ जाए, मनोज घर पर नहीं बोलता है। इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो हो जाएगा मनोज मनोज डू नॉट सॉरी डज नॉट स्पीक ऑन द फोन, ठीक है। इस प्रकार यानी अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात किया जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में चार भाग, कौन भी टेंस हो उसका चार भाग। प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस में यस या यस और दूसरा नियम डू या डज भी लगा सकते हैं। निगेटिव का डू या डज प्लस नॉट भी लगता है। ऐसे कल इंट्रोगेटिव का चलेगा तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा, डू या डज भी रहेगा। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव भी, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड डू या डज नॉट भी रहेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल।